हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिखा रही हूँ आपको कान्हा जी की गर्मियों वाली ड्रेस। ये 0 नंबर के साइज की ड्रेस है और बहुत आसान तरीके से बताऊंगी मैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक कपड़ा लेंगे। ये मैंने 5 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा एक पीस लिया है। इसमें से हम ड्रेस बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। चौड़ाई में फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर 1.25 इंच का नाप लेंगे, आधा बिल्कुल। 1.25 इंच का नाप लेने के बाद हल्की सी इसमें छटाई कर देंगे। तो ये बाजू की शेप आ जाएगी। इसके बाद बिल्कुल बीच सेंटर में हमें एक कट लगाना है। बीच में से कट लगाने के बाद यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम ये बाजू वाला हिस्सा सिलेंगे इस तरीके से। ये हमने कान्हा जी की छोटी सी शर्ट बनाई है, जबला भी बोल सकते हैं, और इसे हम 0 नंबर या 1 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब मैं इसका निक्कर बनाना सिखा रही हूँ। निक्कर के लिए मैंने ये 5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी पट्टी ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से निक्कर बनाएंगे। ये बीच का आसन हो जाएगा जो जॉइंट है, और इस जगह पे हम गोलाई दे देंगे कच्छे की शेप। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। एक बार मैं और दिखा देती हूँ। ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है, और जो ये खुली साइड है, खुली साइड में जितना हमें नीचे पट्टा मोड़ना है उतना मोड़ के, और हम एक गोल शेप दे देंगे थोड़ा सा वी शेप में, इस तरीके से। ये ऐसे आ जाएगा। इस पट्टों को हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर देंगे और ऊपर नेफा बना देंगे। ये कान्हा जी का छोटा सा निक्कर बन गया है। ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा ट्रायंगल करके फोल्ड किया था, तो यहाँ से हम इलास्टिक डाल सकते हैं।
ये मैंने इसमें रिबन का नाड़ा डाला है। इलास्टिक कभी कभी लूज हो जाती है। तो ये हमारे एक नंबर के बाल गोपाल की ड्रेस तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।